तो दोस्तों आपको फिनसेल्फ एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फिनसेल्फ एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो गैस जैसे आप अपनी फिनसेल्फ एप्लीकेशन को आप यहाँ से ओपन कर देंगे तो गैस आपको जो फिनसेल्फ एप्लीकेशन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गैस आपके सामने पे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली नीचे आना, नीचे आने के बाद में गैस आपको एकदम नीचे आने के बाद में गैस अब आपको सिंपली यहाँ पे एग्री का ऑप्शन होगा, तो आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गैस जैसे आप ऐसे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में गैस अब आपके सामने परमिशन का ऑप्शन आएगा, तो अब फिर से आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको फिर से एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो कि जैसे आप ऐसे एग्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके सामने इस तरह का डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा, योर अकाउंट एट इतना, तो आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। गैस आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना, फिर से गैस आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में गैस आपको सबसे नीचे आना, सबसे नीचे आने के बाद में गैस अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है मी का, तो आपको मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गैस जैसे आप मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में गैस आपको इसमें साइन इन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है साइन इन का, तो आपको साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइस हम से क्या करेंगे, साइन इन पे हम जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद में गाइस अब आपके सामने यहां पे फिनसर्फ का ऑप्शन आएगा, और गाइस यहां पे साइन इन विद यहां पे हेयर टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है हेयर टाइप पे। उसके बाद में गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर से आप अपने फिनसर्फ अकाउंट को आप बनाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस मोबाइल नंबर को हमें फिलअप कर देंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको यहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम से क्या करेंगे, हमेशा अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको भी इसी तरीके से अपने वेरिफिकेशन को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए गाइस मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, तो हम ओटीपी कहाँ कहीं पर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप ओटीपी डाल करके आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपका फिनसर्फ पे में आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपने फिनसर्फ एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, तो आप अपने फिनसर्फ एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को आप कैसे ऐड करेंगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको होम पेज पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप यहां से अपने होम पेज पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपका जो होम पेज है यहां पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहां पे ऑप्शन हो रहा है यहां पे यूपीआई रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन का, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना यूपीआई रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन का। तो जैसे आप यहां से यूपीआई रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके सामने इस तरह का डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं यहां पे कह रहा है टू गिव यू बेटर एक्सपीरियंस वी आर अपडेटिंग योर सिस्टम, मतलब यही रहा है कि अभी जो आपका सिस्टम है अपडेट हो रहा है, तो आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे UPI रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन आर नॉट अवेलेबल फॉर यूजर्स। तो गाइस कह रहा है कि अभी ना तो इसमें UPI रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, ना तो गाइस यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्टिव है। तो गाइस कुछ कारण की वजह से इसमें जो UPI रजिस्ट्रेशन है मतलब बैंक अकाउंट ऐड करने का जो ऑप्शन है डिसेबल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आप फिनसर्फ एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते थे और वहाँ पर अपना UPI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते थे और आपका ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन गाइस कुछ कारण की वजह से अभी जो इसमें यहाँ पे UPI रजिस्ट्रेशन का जो फीचर्स है बैंक अकाउंट ऐड करने का जो ऑप्शन है बंद कर दिया गया, कुछ दिन के बाद में फिर से यहाँ पे इनेबल कर दिया जाएगा। तो गैस जैसे कोई अपडेट आएगा इसमें बैंक अकाउंट ऐड करने का UPI रजिस्ट्रेशन से लेकर के, तो हम आपको एक प्रॉपरली वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि इसमें जो ऑप्शन है आ चुका है, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल गैस अभी इसमें जो फीचर्स नहीं दिया गया है, तो गैस मेरे बहुत सारे फिनसेल्फ यूजर्स हैं जो कि मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि अपने फिनसेल्फ एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो गैस अभी फिनसेल्फ एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हम आपको प्रॉपरली नहीं बता रहे। तो जैसे इसमें कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको एक प्रॉपरली वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि फिनसेल्फ एप्लीकेशन में अब बैंक अकाउंट ऐड हो रहा है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो कहते मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर परेशान थे, तो आशा है कि उन लोगों को ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको अपडेट पसंद आए हो, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।